hello students how are you all hope so all of you are fine and happy welcome to my youtube channel biology in seconds today we will discuss the cellular structure of prokaryotic cell let's start today students first of all we will discuss the cellular structure of bacteria the prokaryote clear so here is a diagrammatic representation of a bacterium एक बैक्टीरियम है इसकी इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज अ लार्ज थिन अपेंडिज व्हिच इज कॉल्ड एज फ्लैजुलम व्हिच इज अटैच्ड टू अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड बेसल बॉडी ओके एंड हियर इज द साइटोप्लाज्म यू इज़ द साइटोप्लाज्म एंड इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म देयर इज कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्टली

देर इज एन इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेमब्रेन ये प्लाज्मा आ रही है और अंदर जाके साइटोप्लाज्मा इन्वेजिनेट कर रही है इस कुछ इस तरह से इरेगुलर स्ट्रक्चर बना रही है this is called as mesozoom, clear? और इसी तरह से यहाँ पर यह मौजूद है uh, this is the तो दिस इज द फ्लैचुलम डी स्टूडेंट चलिए थोड़ा सा हम इसकी अब डिटेल में देखते हैं ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस करें पहले बेसिक स्ट्रक्चर फिर उसके बाद हम डिस्की डिटेल्स में जाते हैं तो स्टार्ट लेते हैं बेजेल बॉडी से बेसिक बॉडी बेसिकली इट इज प्रेजेंट जस्ट इंटीरियर टू द प्लाज्मा मेम्रेन ऑफ द बैक्टीरियल सेल और uh, ये एक रोटरी क्या काम करती है रोटरी समझते है? मोटर सो इट फंक्शंस लाइक द रोटरी जब ये रोटेट करती है तो इसके साथ अटैच है फ्लैचिलम

बालों की तरह की स्ट्रक्चर है और अपेंडिच uh, स्ट्रक्चर जो बॉडी से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा हो उसे कहते हैं सो इट बॉडी सेल ऑफ द बैक्टीरियम इट फ्रॉम इट ओरिजिनेट्स देखिएगा यहां से इट ओरिजिनेट फ्रॉम बेजल बॉडी इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है और ये बाहर कहां से निकल रही है थ्रू द सेल वॉल एंड कम्स आउट थ्रू सेल वॉल सेल वॉल से ये बाहर आती है अंदर से किसके साथ अटैच है बेसल बॉडी के साथ नाउ इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलिन क्लियर इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन नॉन एज फ्लैजिलिन ये प्रोकैरियोट है आपने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में जू करियोटिक और प्रोकरोटिक सेल्स का जो डिफरेंस है वो भी देखा था इन द टॉपिक नंबर फोर तो उसमें आपने ये देखा था कि जो यू करियोटिक फ्लैचुला होते हैं दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन उनके अंदर माइक्रो ट्यूब्यूल्स क्योंकि वो माइक्रो माइक्रोटिब्यूल्स से बनता स्ट्रक्चर जबकि जो ये स्ट्रक्चर है फ्लैजिला है ये इनके अंदर माइक्रो ट्यूब्यूल्स नहीं होती हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनकी जो ये स्ट्रक्चर है इसको एक ख़ास किस्म की प्रोटीन से बनाया उस उस प्रोटीन का नाम रखा गया

स्पायरे कहा जाता है और जो स्फेरिकल होते हैं उनको कोकाय कहा जाता है फिर तो जो फ्लैजिला की बात हो रही है ज़्यादातर बेस्लाई और स्पायरेई के, के, स्फेरि के अंदर ये फ्लैजिला मौजूद होते हैं एंड दे आर रेयर एम सी तो को नोट कर रहे हैं दे आर रेयर इन कोकाय दे आर रेयर इन कोकाय कोकाय के अंदर यानी स्फेरिकल जो बैक्टीरिया होते हैं स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया उनके अंदर ये रेयर होते हैं आमतौर पर कोकाय जो होते हैं वो लोकोमोट भी नहीं करते

स्टिमुलस uh, के बिहाफ के ऊपर फ्लैजिला जो है ये बैक्टीरिया को मूव करवाता है या तो टूअर्ड्स केमिकल्स और फ्रॉम अवे फ्रॉम द केमिकल्स तो जो केमिकल्स की वजह से मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को कहते हैं कीमोटैक्सिस तो यहां पर दो तरह की मूवमेंट याद रखनी है एक फोटोटैक्सिस और दूसरा कीमोटैक्सिस कीमोटैक्सिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लैजिला प्रॉपर्टी ऑफ फ्लैजिला जो है वो फ्लैजिला फ्लैजिला की वजह से होती है। क्योंकि इसमें एक्ट सेंसर्स क्लियर ये सेंस करेंगे एक्सटर्नल के अंदर केमिकल्स यहाँ पर एक बहुत ही uh, जबरदस्त किस्म की क्लासिफिकेशन मैंने आपके लिए तैयार की इट्स कॉम्प्रिहेंसिव ठीक है पोर्ट्स ऑफ द एजुकेशन मोस्ट प्रोबेबली पी सी टी बी एंड द फेडरल बोर्ड तो यहाँ पर क्लासीफिकेशन है पाँच तरह की क्लासीफिकेशन आपने पढ़ी थी इन द चैप्टर नंबर सिक्स ऑफ पी सी टी बी तो उसमें आपने शेप की बेस के ऊपर क्लासीफिकेशन फ्लैजला की बेस के ऊपर क्लासीफिकेशन वॉल की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन रेस्पायरेशन की बेस के ऊपर क्लासीफिकेशन और न्यूट्रिशन के बेस के ऊपर भी रेस्पायरेशन पढ़ी थी बैक्टीरिया में तो ये पहली क्लासीफिकेशन हम अब पढ़ रहे हैं दैट इज नोन एज द क्लासीफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ

क्या है आपको आपने सायानो पढ़े थे सायानो दे लैक फ्लैशिला ठीक है मतलब कि दे आर ए मैं यहां पर इसकी एग्जाम्पल लिख देता हूं सायानो ये इसकी एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा ठीक है क्योंकि ये बुक के अंदर मेंशन है बकायदा तौर पर दे मूव बाय फॉर्मिंग गैस वेजिकल्स और ग्लाइडिंग मोटिलिटी दूसरा हमारे पास जो है वो दूसरी क्लासिफिकेशन है मोनोट्राइकस मोनोट्राइकस मोनो मीन्स वन ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला सो वन फ्लैजिलम एट वन एंड और वन पोल ठीक है ये बैक्टीरियल सेल किसी एक पोल के ऊपर लेफ्ट पे या राइट पे अगर एक सिर्फ एक फ्लैजिला हो जैसे कि मैंने यहां पर भी ड्रॉ किया है ये कौन सा ये कौन सा बैक्टीरिया है मोनोट्राइकस सो so अगर एक ही फ्लैजिला अटैच हो एक पोल के ऊपर

गुच्छा मौजूद हो लेकिन सिर्फ एक पोल पे तो इस कंडीशन को कहते हैं इस तरह के बैक्टीरिया को कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज लोफो ट्राइकस टफ्ट ऑफ फ्लैजिला फ्लचिला दूसरा देखिये एम्फी ट्राइकस एम्फी ट्राइफ ट्राइकस का मतलब टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड्स और बोथ पोल्स दोनों पोल्स पे लेफ्ट और राइट पे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला मौजूद हो तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं द एम्फी ट्राइकस और एक और ट्राइकस पैरी मींस अराउंड मतलब कि अराउंड अराउंड ट्राइकस मीन द हेयर तो अगर बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ फ्लैचूला मौजूद हो ऑल अराउंड द बॉडी ऑफ द uh, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल सो तो उस ऐसी ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं पेरीट्राइकस सो फ्लैचुला ऑल अराउंड एज यू कैन सी ओवर हेयर ये बैक्टीरियल सेल और इसके चारों तरफ अटैच्ड हैं फ्लैजला सो so, फ्लैजला को मैंने स्पेशली इससे अलग से मार्क किया ठीक है ठीके? इस कलर के साथ द पिंक कलर अच्छा स्टूडेंट्स एक और भी क्लासिफिकेशन है इन्हीं से मिलते-जुलते क्लासिफिकेशन है तो थोड़ी सी टेक्निकल है तो इसको जरा समझ लीजिए मोनोपोलर मोनो मींस वन पोलर मींस मोनो पोल मोनोपोलर मोनोट्राइकस एक पोल पे एक ही फ्लैजला हो ठीक है यहां पर देख सकते हैं यानी कि ये ये, ये मोनोट्राइकस की ही बात हो रही है लेकिन अब हम इसको दूसरे तरीके से कैटेगराइज करने लगे हैं सो so, मोनोट्राइकस का मतलब एक फ्लैजिला मोनोपोलर का मतलब अगर एक ही पोल पे हो सो वन फ्लैजिला एट वन पोल याद रखना इसका ठीक है वन फ्लैजिलम एट वन पोल क्लियर दैट वे बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज मोनोपोलर मोनोट्राइकस एक और भी कंडीशन हो सकती है ये एक और भी क्लासिफिकेशन है बायपोलर बायस टू बायपोलर बट मोनोट्राइकस मोनोट्राइकस हम जनरलाइज वे में एक कैटेगराइज करेंगे जिसमें सिंगल एक ही फ्लैजिला मौजूद हो हो सो so, बायपोलर का मतलब यह है कि यह बैक्टीरियल सेल और इसके दोनों पोल्स पे सो so, फ्लैचिलम और फ्लैजिला एट वन फ्लैजिला एट बोथ पोल्स दोनों पोल्स पे एक एक फ्लैजिला तो बाइपोलर मोनोट्राइकस नाउ मोनोपोलर बाइट्राइकस बाइक टू ट्राइकस, -ट्राइकस।, two, ट्राइकस और मोनोपोलर का मतलब एक ही पोल तो एक ही पोल पे अगर दो हो देजिला तो ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं मोनोपोलर पोल एक ही है लेकिन उसमें दो फ्लैजिला मौजूद हैं क्लियर सो so, मोनोपोलर एक ही पोल बायट्राइकस मतलब दो फ्लजिला एंड बायपोलर बाइट्रैकस बायपोलर बाइट्रैकस मतलब कि द बायपोलर का मतलब दोनों पोल्स और बाइट्रैकस का मतलब दो दो फ्लजिला तो दोनों पोल्स पे अगर दो दो फ्लजिला हो तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं बायपोलर बाइट्रैकस और एक और इंटरेस्टिंग मतलब कि क्लासिफिकेशन है इसे एतबार से देखें एम्फी एम्फी लोफो ट्राइकस क्या है एक टफ्टा फ्लजिला और एम्फी मतलब टा एट बोथ एंड टफ्ट ऑफ फ्लैजिला को हम कहते ही लोफोट्राइकस हैं तो इस अगर एतवार से देखें तो ये टर्म बनेगी एम्फी लोफोट्राइकस मतलब क्लियर सो देट वॉज आमेशन रिगार्डिंग द फ्लैचिला इसी तरह से छोटी सी अपते हैं ये फ्लैचलम और ये छोटे छोटे अपंटे बहुत ज्यादा होती है मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये तीन ड्रॉ किए तो देखें एक तो ये नीचे ब्लू कलर की जो मेब्रेन आट्रक्चर दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्लाज्मा मेब्रेन की ही आके ये अंदर से बाहर जाकर एक्सटेंड कर रहा है और उसको कवर कौन कर रहा है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पिल्लस इसकी प्लोरल है पिल्लाए अब इसको हम देखें तो देखें अंदर से हॉलो है पहली बात और इसके अलावा ये ट्यूब की तरह का है, फिलामेंट की तरह का है, स्ट्रक्चर है और ये नॉन हेलिकल है ये तो हेलिकल रोटेटेड लेकिन मतलब की तरह का देखें ट्यूब है फिलामेंटस अडेज दैट इज कॉल्ड एज पिलस और प्लूरल पिलाई ठीक है यहां पर पिलाई मौजूद है और

जो है वो दरियाफ्त की थी जिसको हम ग्राम स्टेनिंग भी कहते हैं तो उसमें सेल वॉल कौन सी डाई को अटेन करती है ये आगे चलकर आज ही हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे तो उसके बिहाफ के ऊपर फिर सेल वॉल के कलर के बिहाफ के ऊपर जो डाई वो अटेन करता है उसके बिहाफ के ऊपर दो तरह के बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्लियर तो बात ये हो रही है कि जो जो पिलाए हैं द ट्रू पिलाई ट्रू पिलाए ओनली इन ग्राम नेगेटिव ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर मौजूद है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एंड दे आर नॉट इन्वॉल्व इन लोकोमोशन यानी कि इन इन अपेंडेज़ से ये जो से आपको नजर आ रहे हैं ट्यूब्स की तरह के सो इनका लोकोमोशन से लेना देना कुछ नहीं है मतलब ये इसको मूव करने में हेल्प नहीं करेंगे मूव करने में हेल्प सिर्फ और सिर्फ फ्लैशिलम है क्लियर और इसके अलावा द कॉन्चुकेशन इनके अंदर हो रही है पिल्लाई की बिहाफ के ऊपर क्या होता है कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन आपको पता है कि जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास प्लाज्मिट नहीं है और वो एक जगह पे एक लोकेशन में मौजूद हैं तो जिसके पास प्लाज्मिट होता है वो उसको ए, ए, उसको डिवाइड करके या उसको मल्टीप्लाई करके उसकी उस, उसको रेप्लीकेट करवा करके उसे बहुत सारी कॉपीज बनवा ली जाती हैं इज दैट क्लियर सो दिस वेरी स्ट्रक्चर दिस वेरी स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मिट स्ट्रक्चर कॉल प्लाट ये प्लाज्मिट वो स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर इस आ, जो नॉन हेलिकल और ये जो ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है जिसको हम पिल्लाए कह रहे हैं या पिलस कह रहे हैं इसके जरिए कॉन्जुगेशन के जरिए वो बैक्टीरियल सेल के साथ आकर के अटैच होंगे और ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास ये नहीं होते ये उसको कॉपी करके और कॉन्जुगेशन के जरिए उसको ट्रांसफर कर देते हैं एंड दे ऑल्सो हेल्प इन एज अ मीन्स ऑफ अटैचमेंट टू द सर्विस मतलब कि जो पिले हैं ये दे ऑल्सो हेल्प इन फॉर अटैचमेंट टू वेरियस सर्विसज खास तौर पर जब इनको हम आ, आ, उसमें ग्रो करवाते हैं इन द आर्टिफिशियल कल्चर मेडियम वहाँ पर ये सेल्स सर्विसज के साथ अटैच होने या फिर होस्ट के साथ होस्ट सेल्स जो होते हैं जहाँ पर ये मौजूद होते हैं वहाँ पर या आप साथ में किसी इन्वामेंट के अंदर मौजूद हैं और साथ में कुछ सर्विसज हैं तो वहाँ पर अटैच होने में भी ये जो पिलाए हैं वो हेल्प करेंगे

और प्रोटीन मिलकर के क्या बनाते हैं एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गनल जिसको हम कहते हैं राइबोसोम राइबोसोम इट मे बी लूजली अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको नोट कर लीजिए कि राइबोसोम्स इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके साथ लूजली अटैच हो सकते हैं क्लियर अदरवाइज देर फ्रीली स्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाम बहुत सारे मौजूद हैं अब इसके दो सब यूनिट्स होते हैं एक लार्ज सब यूनिट और दूसरा स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट जो है इट सेडिमेंट्स सेडिमेंट्स एट एट स्मॉल सब यूनिट, इट दे आर सेडिमेंटेड सेपरेटली। बट और आपको याद है कि जो, जो प्रो, जो राइबोसोम है, आ, उसका साइज क्या होता है या वो सेडिमेंट कितने कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है इट इज लिटिल बिट स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक राइबोसोम बिकॉज द यूकैरियोटिक राइबोसोम इट इज दैट क्लियर और इसका फंक्शन तो राइबोसोम का एक ही फंक्शन तो है दैट इज इट इज इनवॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है वन एंड ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द राइबोसोम चल

एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है एंड इट इज डबल स्ट्रेंडेड ये एमसीक्यू जरूर मार्क कीजिएगा प्लीज इट इज डबल स्ट्रेंडेड डीएस एस फॉर डबल स्ट्रेंडेड सो डबल स्ट्रेंडेड सर्कुलर डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए व्हिच इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड अब प्लाज्मिड की खासियत एक तो ये किसी सेल्फ रेप्लीकेटेबल है खुद से रेप्लीकेट करता है क्यों जरूरत पड़ती है Uh, क्योंकि uh, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास ये प्लाज्मिक नहीं होता क्यों नहीं होता वो तो ठीक है लेकिन उस ये उनको आगे ट्रांसफर क्यों करता है द बेसिक रीजन एंड द मेजर रीजन इज दैट द हैव गॉट जीन्स इनके इस के ऊपर कुछ जीन्स होते हैं विच आर यूज अगेंस्ट द अटैक ऑफ एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट द अटैक ऑफ सर्टन इंसेक्ट्स और अगेंस्ट द अटैक ऑफ हैवी मेटल्स ठीक है तो ये उसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करती है इसके ऊपर वो जीन्स होते हैं जो ड्रग्स को ए, ए, जीन्स ड्रग्स की रेजिस्टेंस और ड्रग्स भी कौन सी एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए और हैवी मेटल्स और इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए ये जीन्स इसके पास मौजूद होते हैं तो ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास ये जीन्स मौजूद नहीं सो दैट वेरी बैक्टीरिया बिकम uh, वो इसके साथ अटैच होगा विद द हेल्प विद्पऑफ पेय और ये एक कॉपी उसको शेयर कर देगा और इसी प्रोसेस को हमने अभी हमने डिस्कस किया इसको क्या कहते हैं कॉन्जुगेशन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन और इसके अलावा इट इज नॉट एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड एप्लीकेशन मतलब Uh, कि बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो क्रोमोसोमल डीएनए या बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होनी है उसके लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है मतलब ये इट इज़ नॉट इसेंशियल मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बगैर बैक्टीरियल बैक्टीरिया चाहे वो उसका डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा या फिर वो उसमें जो उसकी बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ नहीं हो सकेगी ऐसा नहीं है एंड दे ऑल्सो एक्ट एज वैक्टर्स वेक्टर डीजूट एक मॉलिक्यूलर कैरियर को हम कहते हैं जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी करेगा आमतौर तो पर प्लाजमिट्स को इस्तेमाल किया जाता है विच आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया और या फिर या फिर द बैक्टीरियजिस याद है आपको चैप्टर नंबर ट्वेंटी थ्री बैक्टीरियो फ्रिजिस उसमें खासतौर पर लेमडा फेज ठीक है जिसको हम वैक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो वैक्टर असल में ये मॉलिक्युलर कैरियर है ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी करता है किस प्रोसेस के अंदर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ठीक है, जैसे कि इंसुलिन के प्रोडक्शन में इंसुलिन का जी, जीन एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको कट करने के बाद इस प्लाजमिट को कट किया जाता है और फिर उसके साथ इसको पेस्ट कर दिया जाता है विद हेल्प ऑफ एंजाइम्स लाइगेजिस और फिर इसको आगे एज पर द रिक्वायरमेंट उससे इंसुलिन बनवाई जाती है सो अबाउट द प्लाजमिट अब यहां पर एक और आपको छोटा सा स्ट्रक्चर नजर आया इसको यहाँ पर चुके स्पेस मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसको नेक्स्ट फ्रेम में इंशाल्लाह कवर करता हूं इसके अलावा एक और यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें इस से ये जलेबी की तरह का कुछ बना हुआ है इस अंदर तो ये बेसिकली ब्लू कलर का है तो ब्लू कलर की यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर है दैट इज मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ साइटोप्लाजमा सारा साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मेट होकर के एक स्ट्रक्चर बना रही है दिस इज कॉल्ड एज मीजो दिस इज कॉल्ड एज मीजो सो इट इज फॉर्मड ट का मतलब होता है अंदर की तरफ जाना ये अंदर की तरफ अंदर की तरफ का मतलब है क्या? So, in, in of, अच्छा इसकी जो डिफरेंट uh, शेप्स है उसके वाले से बात हो रही है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ यानी इसकी फॉर्मॉलोची की बात की शक्ल में हो सकता है की शक्ल में यह हो सकता है या फिर लेयर्स की शक्ल की शक्ल में हो सकता है सो so, इसका फंक्शन जो कि बहुत ही अहम है इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंटोम का फंक्शन क्या है so, is, one, two, मतलब कि जब बाइनर बैक्टीरिया डिवाइड कैसे करते हैं के है, तो फिशन में चार स्टेप्स में हो रही है नंबर वन सेल एनलार्जमेंट नंबर टू द रेप्लीकेशन ऑफ डी एन एन ऑफ डी एन ए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है mesozoom. इसी तरह से सेल डिविजन जब सेल डिवाइड हो रहा होता है लास्ट स्टेज वॉल इनवेड होती है सेंटर में और ये एक बैक्टीरियल सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ती है सेल इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्ट ऑफ एक्जो सेलुलर एनजाइम्स एक्सोसेलुलर एनजा एक्सो मीनस आउटसाइड एक्स या एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड और सेलुलर का मतलब सेल यानी सेल से बाहर ए, एक्ट करने वाले एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट में काम करने वाले एंजाइम्स को कहते हैं एक्सोसेलुलर एंजाइम्स तो ये मीजोसोम किस तरह से इन्वॉल्व है तो ऐसे एंजाइम्स जो कि ये यह यहाँ से निकाल करके बाहर एनवायरमेंट में भेजेगा वो क्या करेंगे दे विल एक्ट अपॉन द डेड ऑर्गेनिक मैटर या जो इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद uh, जो चीज़ें होती हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए और वहाँ से एनर्जी हासिल करने के लिए ठीक है so, सो उसमें भी इन्वॉलमेंट है इस मीजोसोम की द ट्रांसपोर्ट ऑफ और द एक्सपोर्ट ऑफ एक्सोसेलुलर एनजा एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग मीजोसोम इज रेस्परेटोरी एनसाइम्स यानी रेस्पायरेशन मतलब की सेलुलर रेस्पेशन की बात हो रही है यहां पर तो रेस्पिरेटोरी एनसाइम्सर रेस्पायरेशन मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज ग्लूकोज को या बाकी किसी फूड uh, कॉन्टेंट को उसका ब्रेकडाउन करके और उससे एनर्जी हासिल करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पायरेशन सेलोर रेस्पायरेशन और उसके एनजाम्स यहां पर मौजूद हैं विद इन दीजो जो और इसके अलावा यहां पर एक और आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये ब्लू कलर का जो एज अ होल हम बात कर रहे हैं दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरियल सेल डियर स्टूडेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है लेकिन यहाँ पर आउटर मोस्ट नहीं है क्योंकि इसके बाहर एक और कवरिंग है थिक सी जिससे हम सेल वॉल कह रहे हैं सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये तकरीबन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम हम यू के अंदर होती है हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में होती है लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर और वही डिफरेंस जो है वो

इट इज फ्लैक्सिबल का मतलब थोड़ी सी लचक वाली है एंड इट लैक्स ये डिफरेंस है जो कि इसमें प्लाज्मा ऑफ और, और प्रोकर में आ, बहुत अहम है हैलेट्रोल लाइक द कोलेस्ट्रोल तो आपने चैप्टर नंबर फोर के लास्ट जो लेक्चर था दैट वॉज ऑन द प्लाज्मा तो उसमें आपने देखा कि जो लिपिड बायलर स्ट्रक्चर है उसमें फॉस्फोलिपिड्स की जो लेयर है जो बायल है उसके दरम्यान में क्या मौजूद थे द कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर वो कोलेस्ट्रॉल नहीं है ये बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड द जू करियोर्स क्लियर बाकी देखें इट इज डेलीकेट लेकिन एक अहम चीज अगर ये डैमेज हो जाए यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो सारा कॉन्टेंट जो है वो इट विल मूव आउट और इससे क्या होगा इट रिजल्ट इन द डेथ ऑफ बैक्टीरिया द डेथ ऑफ बैक्टीरिया इसके अलावा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम कुछ यंग फंक्शन के हाल से बात हो रही है इट्स इट इज इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है शुगर्स को ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है और मेटाबोलाइट्स को ठीक है दूसरे मेटाबोलाइट्स को भी यानी मेटाबोलाइट्स ऐसे केमिकल्स uh, को कहा जाता है जो कि विच आर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबोलिज्म एंड इट ऑल्सो कंटेन एनजाइम्स ऑफ रेस्पायरेशन चूंकि मीजोसोम इसी का ही पार्ट है इसी की ही इमेजिनेशन है तो मिसोजोम के पास क्या रेस्पिरेटरी एंजाइम्स सो इनडायरेक्टली इट बिकम्स द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज़ वेल खैर डियर स्टूडेंट्स नाउ इट्स द टर्न ऑफ न्यूक्लियोइड रीजन जिसे इसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं तो टिपिकली डी स्टूडेंट्स देखा जाए तो आ, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक नंबर फोर में कि प्रो कनिवर्ट्स के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं है मतलब उसी तरह से तो है लेकिन क्योंकि डी एन उसके अंदर मछूता है इस रीजन के अंदर तो उसमें हिस्टोन्स नहीं होते याद रखिएगा ठीक है हमारे अंदर हमारे पास हिस्टोन्स हैं इसलिए वो उसके ऊपर हिस्टोस के ऊपर रैप्ड होता है ताकि न्यूक्लियस क्योंकि हमारे पास न्यूक्स न्यूक्लियस मछूता है इनके पास चूंकि न्यूक्लियस नहीं होता तो इनके अंदर वो रैपिंग की जरूरत नहीं पड़ती मतलब कि हिस्टोन्स नहीं होते दे हैव डी Which is single. तो यह है कि सिंगल है, एक नहीं है. सर्कुलर मतलब तो 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 कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है एक इेगुलर साबल स्ट्रांडेड ठीक है इट इज ऑल्सो डबल स्ट्रेडेड प्लाजमिट भी डबल स्ट्रेडेड है और ये भी डबल स्टैंडर्ड है वो भी सर्कुलर है यह भी सर्कुलर है इसका रोल है रे, रेप्लिकेशन में इसका रोल है इसकी ग्रोथ में जबकि प्लाज्मे का रोल नहीं है ना ग्रोथ में और ना रेप्लीकेशन में इट एग्रीगेट्स एज एन इेगुलरली शेप्ड डेंस एरिया इन सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये एक इरेगुलर शेप्ड एग्रीगेशन बन जाती है इरेगुलर शेप की और ये सेंटर में ये एमसीक्यू आपने नोट करना है कि ये सेंटर में मौजूद है चूंकि इनके अंदर सिंगल क्रोमोसोम है और वो भी प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं है लेकिन चले मान लेते हैं सो सिंगल क्रोमोसोम है इस वजह से इसे कहते हैं है मतलब ऑल बैक्टीरियल सेल्स आर यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हेप्लॉइड है इनके अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम है ओनली वन तो हेप्लॉयड और डेप्लॉड का आपको पता है कि अगर किसी सेल के न्यूक्लियस में एक कॉपी हो किसी क्रोमोसोम की तो उसे हम हैप्लॉयड कहते हैं अगर दो कॉपीज हो तो डेप्लॉड होता है और इससे ज्यादा हों तो फिर वो ट्राई और टेट्रा या फिर पोलिप्लॉय भी खिलाते हैं तो ये हैप्लॉयड है या हम इसको इस कंसेप्ट में भी समझते थे कि और जिसमें पेयर्ड होते हैं वो नाउ द अदर नेम्स ऑफ दिस न्यूक् के की से। अदर नेम्स अदर नेम्स क्या क्या है मौजूद है इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर बॉडी मतलब के इसको न्यूक्लियाड को न्यूक्लियर बॉडी भी कहते हैं इसको क्रोमैटिन बॉडी भी कहते हैं इसको न्यूक्लियर रीजन भी कहते हैं ठीक है इसी को न्यूक्लियर भी कहते हैं आइए अब मूव करते हैं एक और स्ट्रक्चर की तरफ ये देखिएगा ये स्टोरेज बॉडी है या इसको स्टोरेज ग्रेन्यूल भी कहते हैं स्टोरेज बॉडी या स्टोरेज ग्रेन्यूल आम तौर तो पर बैक्टीरिया जिन कंडीशन में मौजूद होता है तो ऑन एन एवरेज यानी इनको ऐसा इन्वामेंट नहीं मिलता कि जिसमें मुसलसल इनको ख़ुराक मिल रही हो इनको फूड मिल रहा हो तो उससे ज़्यादातर इनको हार्श कंडीशन से ही गुजरना पड़ता है मतलब कि इनके इन्वामेंट के अंदर कोई खास यानी कि वो फूड की कंसल्ट्रेशन नहीं होती लेकिन जब कभी ऐसा ऐसा इन्वामेंट मिल जाए जिसमें कि फूड मौजूद है तो ये क्या कहता है कि उसको स्टोर कर लेता है स्टोर तो करता है ग्रेन्यूल्स की शिकल में तो उनको हम कहते हैं फूड ग्रेन्यूल्स या फूड स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं या फूड स्टोरेज बॉडीज भी कहते हैं उसको इसके अंदर चार चीज़ें स्टोर होती हैं। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक तो फैट्स फॉस्फेट सल्फर एंड ग्लाइकोजन ये चार चीज़ें हैं आपने याद रखनी है इसमें से किसी एक को एक को स्किप करके कोई और इसमें ऐड करके और आपसे पूछा जा सकता है कि द स्टोरेज ग्रेन्यूल स्टोरेज बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया हैव ऑल एक्सेप्ट वो जो एक्सेप्ट होगी मतलब तो जो एक एडिशनल दी होगी लाइक्रोजन की जगह मैं सेलुलोज लिख देता हूँ ठीक है सो तो उस वक्त आंसर क्या होगा सेलुलोज मतलब बाकी सारे फूड ग्रैन्यूल्स के कॉन्टेंट्स हैं वो फूड ग्रैन्यूल्स के अंदर मौजूद हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स ये सारे केमिकल्स बट नाउ देर इज न कंपाउंड जो कि हमने इंटेंशनली इसको रिप्लेस किया मतलब कि आपको बताया कि इस तरह से एम सी क्यू बन सकता है नाव कुछ ऐसे कंडीशन भी है जिसमें वेस्ट को भी स्टोर कर लेते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए या फर्दर किसी परपज़ के लिए तो जो वेस्ट स्टोर होता है वो तीन मेजर वेस्ट हैं नंबर वन इज़ एल्कोहल नंबर टू इज लैक्टिक एसिड एंड नंबर थ्री इज एसिटिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट साथ में किसी एक चौथे को और को मिला के कह सकते हैं कि इसमें से कौन सा वेस्ट ग्रेन जो है वो नहीं है बैक्टीरिया के स्टोरेज बॉडी के अंदर या स्टोरेज ग्रेन्यूल के अंदर लेट सपोज कि यहाँ पर मैं फैट्स डाल देता हूँ या फॉस्फेट डालता हूँ या सल्फर डाल देता हूँ चौथा या ग्लाइक्रोजन डाल देता हूँ सो दैट वुल बी द आंसर क्लियर अब डेस्टूडेंट्स एक और चीज ये देखिएगा स्पोर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन जब कंडीशन हालात साथ ना दे रहे हों बैक्टीरिया का तो तब कुछ बैक्टीरिया स्पोर बनवाते हैं अपने बॉडी पे या उसके अंदर या और कुछ बैक्टीरिया सिस्ट सिस्ट बना लेते हैं तो स्पोर और सिस्ट का जो डिफरेंस है ये आपको आना चाहिए इंपॉर्टेंट है तो स्पोर किसे कहते हैं इट इज मेटाबोलिकली डोरमेंट मेटाबोलिकली मेटाबोलिकली का मतलब मेटाबोलिज्म के एतबार से ये डोरमेंट स्ट्रक्चर है डोरमेंट कहते हैं इनएक्टिव हो एंड रेजिस्टेंट टू एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस ये रेजिस्ट करता है एडवर्स हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन को जैसे कि एक्सट्रीम्स ऑफ पी एच ठीक है पी एच को टोलरेट करवाने में हेल्प करते हैं स्पोर्स लाइट इंटेंसिटी को या लाइट uh, की uh, जो है वो शिद्दत को जिसको हम कह सकते हैं उसको बर्दाश्त करने की इनको सलाहियत देते हैं हाई टेम्परेचर मतलब कि हीट भी बर्दाश्त कर सकते हैं हीट हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर इनको रखा जाए तो ये आ, एक ऑर्डिनरी हाई टेम्परेचर पर रखा जाए तो ये उस पर नहीं मरते इनकी डेथ नहीं होती एंड डेजिकेशन मीन्स द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी उससे भी प्रिवेंट करेंगे एंड केमिकल्स एंड केमिकल्स तो ये कुछ केमिकल एजेंट्स वगैरह होते हैं सो दीज आर द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस जिसके दौरान uh, कुछ बैक्टीरिया जो है ये मेटामोलिकली डॉर्मेंट एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं दैट इज कॉल्ड स्पोर अब स्पोर uh, जो है ये बनता कब है सुनिए इस सबसे अहम चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों सो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एट लेट स्टेज ऑफ द ग्रोथ और द बैक्टीरियल सेल ग्रोथ ठीक है आखिरी स्टेज में लेट स्टेज में जाकर के बनती है स्पोर जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाए इसकी दो टाइप्स है नंबर वन इज एक्सोस्पोर एंड नंबर टू इज एंडोस्पोर एक्सो मीनस आउट एंड स्पोर मीन द स्ट्रक्चर यानी वो स्ट्रक्चर जो बैक्टीरियल सेल के बाहर बनेगा उसे हम कहेंगे एग्जोस्पोर लेट सपोज दिस इज एन बैक्टीरिया दिस इज बैक्टीरिया तो अगर स्पोर कहां बने इसके बॉडी के बाहर इस तरह से ऑल अराउंड इस तरह से बन जाए तो दिस इज कॉल्ड एज एग्जोस्पोर और अगर स्पोर बने अंदर इस तरह से अराउंड द जूनेटिक मेकअप ठीक है तो ये दो तरह की स्पोर्ट्स है ये बाहर वाले जो है ये ग्रीन कलर की जो ए, ब्लू कलर के दिख रही है दिस इज और ये, ये सेल के अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर बनी पड़ी है तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर याद है कि ये दो टाइप्स ये इनकोपैथोजेनिसिटी में हेल्प करती है ठीक है ये स्पोर्स होते हैं स्पोर्स मैं तो एक तो खासतौर तो पर एनवायरमेंटल हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में जो है वो उसको बचाने के लिए कारामत साबित होते हैं एंड एंडोस्पोर इट इज़ फॉर्मड इन साइड द वेजिटेटिव सेल याद रखना है जो सेल के अंदर बनेगी स्पोर वो एंडोस्पोर कहलाएगी और जो सेल के बाहर बनेगी तो वो एक्जो स्पोर एंड अपॉन अराइवल ऑफ सूटेबल कंडीशंस और फेवरेबल कंडीशंस सो दिस विल जर्मिनेट

एक ऐसा और ऑर्गेनिज्म है जिसके पास आ, मतलब सिर्फ प्लाज्मा होती सेलवॉल नहीं होती तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं नंबर वन ये कुछ इसके हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन किसके में मौजूद है बाहर क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट है और इसके नीचे क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो इट इज प्रेजेंट बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर सबस्टांसिस बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब आउटसाइड एंड साइटोप्लाजमिक मेमब्रेन को याद है चैप्टर नंबर फोर में जो मतलब कि इसके जो टॉपिक नंबर फोर था हमारा उसके लास्ट लेक्चर में, में जब डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कई नाम हमने डिस्कस किए थे इसको प्लाज्मा भी कहते हैं इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको साइटोप्लाज्मिक परमेबल भी कहते हैं इसको मेम्ब्रेन भी कहते हैं डिफरेंशियली तो यहां पर वही नाम इसका इस्तेमाल हुआ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन तो इसमें परेशान नहीं होना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही बात हो रही है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर वाली साइड पे और इसके बाहर वाली साइड पे क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस या एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट ये उसके दरमियान में मौजूद है मोस्ट बैक्टीरिया ये को इसके लिए मार्क करें ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास सेल वॉल है ठीक है दे हैव सेल वॉल ओनली एब्सेंट सिर्फ एक वो ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसके पास सेल वॉल नहीं होती एंड दैट इज माइकोप्लाज्मा दैट इज माइकोप्लाज्मा याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट हम सीख गए इनके पास ये ये वाहिदा सेम ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसके पास सेल वॉल नहीं है ठीक है और ये बनती किससे सेल वॉल इट इज कंपोज ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल कौन सा uh, पेप्टाइटोन को हम कलेक्टिवली uh, म्यूरीन भी कहते हैं क्लियर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द म्यूरिन कुछ और इसके स्ट्रक्चर देख वॉल ऑफ बैक्टीरिया ये आपको याद है बैक्टीरिया दो तरह के थे इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा था Uh, इसमें चैप्टर नंबर सिक्स के अंदर ऑफ द फर्स्ट ईयर तो उसमें दो तरह के एक यू बैक्टीरिया और दूसरे आर्ओ बैक्टीरिया जिनको आर्की बैक्टीरिया भी कहते हैं आर्क्यो बैक्टीरिया uh, ये सेल वॉल के भी हाफ के ऊपर डिफर करते हैं फ्रॉम द नॉर्मल बैक्टीरिया जिसको यू बैक्टीरिया कहते हैं जो यू बैक्टीरिया होते हैं जिनको ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं उनकी सेल वॉल बनती है पेप्टाइडोग्लाइकन से मतलब uh, किमयूरिन से जबकि यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं बनती सो दे लैक पेप्टाइडोग्लाइकन दे लैक इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती लेकिन सेल वॉल तो है सेल वॉल किसके पास नहीं है वो सिर्फ एक ही ग्रुप है दैट इज माइक्रो प्लाज्मा इनके पास सेल वॉल है वो किससे बनती है या तो वो प्रोटीन से बनेगी या वो ग्लाइको प्रोटीन से बनेगी या फिर पॉलीसेकेराइड से बनेगी इज दैट क्लियर तो इस तरह से देख लीजिएगा और इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस अब ये ऑस्मोटिक लाइसिस क्या है आपको पता स्टूडेंट्स जब भी हम आ, ए, किसी आ, से, सेल को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखें मिसाल के तौर तो पर बैक्टीरियल सेल को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखें हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट वो होता है जिस जिसमें सोल्यूट कम और वाटर ज्यादा और इसके कंपेरेटिवली जो ये सेल होगा वो हाइपोटोनिक होगा उसका जो इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होगा तो ऐसी कंडीशन में वाटर कैसे मूव करेगा सो so, water moves from एन एरिया ऑफ लो सोल्यूट concentration टू एरिया ऑफ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू सेमी पेमी सेमी परमियबल मैमब्रेन और या फिर अगर हम इसको वाटर पोटेंशियल के टर्म्स में बात करें सो वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल थ्रू सेमी परमिबल मैमब्रेन तो डीय स्टूडेंट्स अगर इस बैक्टीरियल सेल को रख दिया जाए इसके अंदर मतलब कि हाइपोटोनिक एनवायरमेंट में तो वाटर मूव करके इसके बॉडी के अंदर जाएगा ठीक है अंदर जाएगा और वो ऐसे बॉडी जब भरना शुरू हो जाएगी तो आमतौर पर जैसे कि एनिमल सेल है जब उसमें एंड ऑस्मोसिस के जरिए वाटर एंटर होता रहता है होता रहता तो अल्टीमेटली क्या होता है द एनिमल सेल बर्स। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता ये जो सेल वॉल है इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस चूंकि ये हार्ड होती है रिजिट होती है तो उसके बर्स्ट करने से लाइसिस होने से ब्रेक डाउन होने से बचाती है स्टूडेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल इज इट सेल वॉल तो सेल वॉल को हम डिस्कस कर रहे हैं तो सेल वॉल के हवाले से एक क्लासिफिकेशन है दैट वाज गिवन बाय क्रिस्टियन ग्राम एक साइंटिस्ट है बाय द नेम ऑफ क्रिस्टियन ग्राम एम सी किसके लिए मार करें इसको क्रिस्टियन ग्राम जिसने एक मेथड डेवलप किया जिसके जरिए बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाई किया जाता है उसको रंग दिया जाता है या जा उसको कलर दिया जाता है ठीक है इस प्रोसेस को कहते हैं ग्राम स्टेनिंग

उसे कहते हैं आयोटीन और साथ में अल्कोहल इस्तेमाल होता है तो एक बाकायदा एक प्रोसीजर है तो होता क्या है कि अगर ये ये, ये दोनों तरह की डाइस डालते हैं फिर उसके बाद काउंटर डाइट डालते हैं फिर उसके बाद वॉश करते हैं उसको फिक्स करते हैं हीट फिक्स करते हैं वो आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा तो ऐसे बैक्टीरिया जो प्राइमरी डाई को अटेन कर जाए जिनकी सेल वॉल प्राइमरी डाई से रंग जाए तो उनका उनकी सेल वॉल का जो कलर होता है वो वो हो जाता है पर्पल वो हो जाता है पर्पल और ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव और ऐसे बैक्टीरिया जो पर्पल जो प्राइमरी डाई को अटेन ना कर सके बल्कि सेकेंडरी यानी कि उसको अटेन कर लें तो उनकी जो सेल वॉल कलर हो जाता है पिंक तो ऐसे बैक्टीरिया जो सेकेंडरी डाई को अटेन कर लें उन्हें कहा जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्लियर अब इसमें बेसिकली क्रिस्टल वायलट आयोडीन

उनका कलर हो जाता है पिंक लेट्स मूव सो फर्स्ट करेक्टर इज कलर द फर्स्ट इज कलर तो ग्राम पॉजिटिव देयर कलर इज पर्पल द ग्राम नेगेटिव देयर कलर इज पिंक और इसकी रीजन मैंने आपको बता दी ठीक है कि इनकी सेल वॉल का कलर ऐसा क्यों होता है नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग केमिकल कंपोजिशन तो केमिकल कंपोजिशन के अबार से देखें तो पैप्टाइडोग्लाइकन तो है ही दोनों के अंदर बोथ ऑफ दे हैव गॉट इसके पास भी है इसके पास भी है और माइंडेड uh, के uh, मैं जहाँ पर तरतीब नहीं uh, यानी क्लियर के, के बता रहा जस्ट उनको कंपेरिजन में बता रहा हूँ तो पेप्टाइडोग्लाइकन और इसके पास भी लेकिन डिफरेंस क्या है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इसके पास अप टू फिफ्टी परसेंट ड्राईमेस ऑफ बैक्टीरियल सेल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन है तकरीबन तो चार लेयर्स होती है तीन से चार होती है, पास, 50 हो है, just just हैं पेप्टाइडोग्लाइकन के ड्राई ड्राइम जो होता है एक ही लेप्टाइडोग्लाइकन की थे? इनके अलावा पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा भी कुछ केमिकल्स मौजूद हैं इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव देयर इज टाइकोइक एसिड एंड लाइपोटाइक एसिड और इसी तरह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी पेप्टन के अलावा मौजूद हैं लाइपोर एंड लाइपो अब आप यहां पर लाइपो लाइपोपोलिस कहां पर इस्तेमाल हुआ है यहां पर सिर्फ एक दफा इस्तेमाल हो रहा है लाइपो टाइकोइक एसिड यहां पर लाइपोप्रोटीन भी यूज हो रही हैं और लाइपो पोलिसक्राइड भी इस्तेमाल हो रहा है तो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि यहां पर लिपिड कॉन्टेंट डेफिनेटली ज्यादा होगा तो वही हुआ लिपिड्स जब देखते ओवरऑल कैलकुलेट किए जाते हैं बाय परसेंटेज तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं दे हैव गॉट 11 टू 12% परसेंट लिपिड्स जबकि कंपैरेटिवली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनके पास 1 टू 4% परसेंट लिपिड्स हैं ओके सो यहां से मोर और लेस वाला कंपैरिजन भी हो सकता है कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर लिपिड्स दे आर लेस जबकि ग्राम नेगेटिव The lipids are comparatively more. याद रखिएगा हम इन दोनों को करके का बता रहे हैं। मतलब the, uh, अब आते हैं जरा ओवरऑल थिकनेस पे ओवरऑल थिकनेस तो मैंने जैसे बताया चार चार लेलाइन की तो इसकी ओवरऑल थिकनेस भी ज्यादा होगी इट रेंजेस फ्रॉम ट्वेंटी टू एटी नैनोमीटर्स ये यूनिट भी याद रखना है और ये रेंज भी याद रखनी है ट्वेंटी टू एटी नैनोमीटर्स जबकि ग्राम नेगेटिव उसकी रेंज है एट टू एलेवन नैनोमीटर बारीक है ठीक है बारीक नंबर ऑफ मेजर लेयर्स इन यानी कि सेल फॉल जो है उसके अलावा जो नंबर ऑफ मेजर लेयर्स है दैट इज ऑनली वन इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव वाइल इन ग्राम नेगेटिव दे आर टू लेयर्स यहाँ पर दो लेयर्स हैं ठीक है ठीके? एक आउटर लेयर है यानी कि और उसके बाद ये नीचे सेल वॉल नाउ द पेरी प्लाज्मिक स्पेस पेरी मीन अराउंड प्लाज्मा मतलब के द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इनके दरम्यान में एक स्पेस होती है उसे कहते हैं पेरी प्लाज्मिक स्पेस और आपको याद है डियर स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि पेरी प्लाज्मिक स्पेस ऑफ प्रोकैरियोट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है एंड इट बिहेव एज लाइजोसोम लाइसोसोम नहीं है बट इट बिहेव एज लाइजोसोम क्योंकि यहां पर आ, कुछ एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं एंड इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया चंद एक आ, जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर ये पेरी स्पेस मौजूद है जबकि ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट इन ऑल सब के अंदर मौजूद है Clear? अब बात करते हैं परमेबिलिटी की परमेबिलिटी इज द रेफरेंस फॉर इट इज रेफर टू द ट्रांसपोर्ट और परमिशन टू मूव टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन साइड द सेल एंड फ्रॉम इन साइड टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सेल के अंदर किसी चीज़ ने आना है जिस सेल के बाहर किसी चीज़ ने आना है बैक्टीरियल सेल में सो so, उसकी जो परमिशन है उसकी जो यानी कि अलाउंस है वो कहलाती है परमेबिलिटी तो ग्राम पॉजिटिव कंपेरेटिवली ये ज़्यादा परमिएबल है एज कंपेयर टू द नेगेटिव ग्राम नेगेटिव सेल वॉल बैक्टीरिया जबकि ग्राम नेगेटिव इट इज लेस कम कंपैरेटिवली कंपेरिटिवली नहीं है लेकिन इन दोनों को कंपेयर कम, किया जाए तो ग्राम पॉजिटिव ज्यादा परमिबल है और ग्राम नेगेटिव uh, जो है ये थोड़ा सा लेस परमिबल है ठीक है अब आते हैं पोरिन uh, प्रोटीन्स ये कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल वॉल के अंदर मौजूद होती हैं याद रखिएगा बैक्टीरिया की सेल वॉल में कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, उनको पोरिन प्रोटीन्स कहा जाता है ये सुराख बनाती हैं, जिसके जरिए तरह ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है ग्राम पॉजिटिव में ये एबसेंट है याद रखिएगा दे आर एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वॉल इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव दे आर प्रेजेंट क्लियर अब बात करेंगे एक और करैक्टर है दैट इज रेजिस्टेंस टू मॉलिक्यूल्स

इससे पिछले साइड में हमने फ्रेम में देखा कि वो स्पोर को डिस्कस किया था स्पोर के साथ एक और भी पार्ट है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सिस्ट तो जो स्पोर है वो भी डॉर्मेंट है वो भी मतलब के जो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उसको बेयर करने के लिए होता है जिसमें हाई पी या लो पी आच, मतलब कि एक्सट्रीम्स ऑफ पी एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर एक्सट्रीम्स ऑफ लाइट और इसके अलावा डेजिकेशन और हाई टेम्परेचर को वो करते हैं और उसकी दो टाइप्स थी जबकि सिस्ट ये भी डोरमेंट है ये भी थिक वॉर्ड है ठीक है ये दोनों कंडी ये दोनों ही स्ट्रक्चर है सिस्ट और स्पोर याद रखिएगा ये सेल वॉल के बाहर बनेंगे ठीक है और कुछ बैक्टीरिया सिस्ट बना लेते हैं कुछ बैक्टीरिया स्पोर बना लेते हैं लेकिन कब की बात हो रही है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन सो द सिस्ट इज डोरमेंट एंड थिक वॉल्ड एंड इट इज डेजिकेशन रेजिस्टेंट मतलब वाटर लॉस को बचा सकती है बट इट इज नॉट एम सी क्यू याद रखना बट इट इज नॉट हीट रेजिस्टेंट मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो सिस्ट बना लेते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन तो उनको अगर हीट किया जाए तो वो उनकी डेथ हो जाएगी ठीक जब है जबकि जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं, वो बहुत खतरनाक हैं, उनको हाई टेम्परेचर पे भी हीट करने से वो किल नहीं होते बिकॉज दे आर हीट रेजिस्टेंट जो सिस्ट बनती कब है इट डेवलप्स ड्यूरिंग डिफरेंशियेशन ऑफ वेजिटिव सेल्स जब वेजिटेटिव सेल्स डिफ्रेंशियट हो रहे होते हैं उस वक्त डिवेलप होती है लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ अच्छा एक एडिशनल चीज देखिएगा जिसके जरिए सिस्ट बनती है सिस्ट फॉर्मेशन इस प्रोसेस को कहते हैं एनसिस्टमेंट मार्कल इंपॉर्टेंट चीज द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट इज कॉल्ड एज एनसिस्टमेंट तो बनेगी कैसे कुछ चेंजेस आती हैं वो चेंजेस क्या होती हैं कि साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब छोटा हो जाता है और सेल वॉल थिक हो जाती है द सेल वॉल थिकेंस तो इससे क्या होगा कि सेल वॉल के थिक होने से इट विल बी नाउ फॉर्म दिस्ट इट विल बी कन्वर्टेड क्लियर और इसके अलावा एक लास्ट स्ट्रक्चर आया गया था दैट वॉज द्लाज्म और uh, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद सारी चीजें तो हमने कवर कर ली एक लास्ट पॉइंट था डेट इज सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके नीचे मौजूद हर वो हर चीज मतलब इट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट ये प्रोटोप्लास्ट एक ऐसे आ, सेल्स के लिए टर्म होती है जिनके पास सेल वॉल हो तो सेल वॉल के नीचे यानी सेल वॉल को रिमूव कर दे तो बाकी जो कुछ नीचे पड़ा हुआ है प्लाज्मा ब्रेन साइटोप्लाज्म अगर यूक्रियोटा तो उसका न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस सो दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट क्लियर प्रोटोप्लाज्म क्या है ये यूकैरियोटिक सेल्स के और ऐसे सेल्स जिनके पास सेल वॉल नहीं होती उनके लिए टर्म है, लिए टर्म है जो लिविंग मैटर होता है सेल का इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस एवरीथिंग इनसाइड इट मतलब के प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट क्लियर और साइटोप्लाज्म जो है यू और प्रोकैरियोट का वो दो बुनियादी जो है उनके अंदर दो बेसिक डिफरेंसेस हैं उनके अंदर पहले चीज जो प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है इट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मेब्रेन बॉन्डेड ऑर्गनल्स नहीं होते एक ही ऑर्गनल है जो कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है जो इनके अंदर मौजूद है दैट इज द राइबोसोम क्लियर इसके अलावा द साइटोप्लाज्म इट आल्सो लैक्स साइटोस्केलेटन अभी इससे पहले भी बात की कि उसमें जो है माइक्रोटिब्यूल्स uh, एबसेंट होती जब फ्लैजिला पढ़ा रहा था सो तो उसमें मैंने बताया था कि उसमें उनमें जो माइक्रोटिब्यूल्स नहीं होती हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव है tubulin, तो इसी तरह से माइक्रोटिब्यूल्स देर द पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन जो कि इसके पास